So hello guys, I am Femi and you guys are watching our Femi YouTube channel. Welcome back in another video guys. So today we will gonna discuss about AWM. तो वैसे तुम्हें पता ही होगा कि AWM की full form क्या है? नहीं. वैसे मुझे भी नहीं पता. तो let's search it यार. ओ भाई. Full form तो Arctic Warfare Magnum है. तो गाइस अगर तुम्हें AWM के फाउंडर के बारे में पता है, उसका नाम पता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो इसको, यहीं पे पोस्ट करो वीडियो को. वैसे तो मुझे भी नहीं पता उसका नाम क्या है, मैं सर्च करते हैं. देखो तो फाउंडर ऑफ AWM राजा भोसड़ी के. The next day. आई होप आप लोगों को पता ही होगा कि AWM एक लॉन्ग रेंज गन है एंड एक काफी तगड़ी डैमेज देने वाली गन है. पर आप लोगों को ये चीज जरूर नहीं पता होगा, आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि आप एक सिंगल AWM को एक डबल AWM की तरह भी यूज कर सकते हो इन, और वो भी फोन के अंदर, वो भी मोबाइल के अंदर. तो देखो हमारे फ्री फायर में AWM में कितनी तगड़ी गन है, एक ऐसी गन है अगर उसमें से गोली निकल जाए ना तो सामने वाले एनिमी की. दोस्तों तुम ही सोच के देखो कि अगर आप तुम सामने वाले बंदे की पूरी HP खा जाओगे तो उनका तो दिमाग खराब हो जाएगा ना. बात तो सही है. तो देखो गाइज आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने अज्जू भाई के एक मैसेज ड्रॉप करा, अज्जू भाई हमारे लिए AWM की टिप्स बता दो. एंड आपको पता है उधर से क्या मैसेज आया? पूछ क्या जिनको क्या तकलीफ है भाई. बट आई एम सॉरी गाइस, अज्जू भाई का तो रिप्लाई नहीं आया. बट कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आप सभी लोगों को टिप्स, क्या दिक्कत है इसमें. अब देखो मैं बताता हूँ कि अगर आप एक सिंगल AWM को अगर डबल AWM की तरह चलाना चाहते हो तो बिल्कुल इसी स्पीड के साथ कुछ इस तरीके से आप चला सकते हो. भाई ये तरीका काफी ज्यादा सिंपल और मेजोरिटी लोगों को इस तरीके के बारे में लिटरली आइडिया ही नहीं, ये पता ही नहीं है लोगों को. सबसे पहले तुम लोगों को सेटिंग में जाना है, अपने लेफ्ट फायर वाले बटन को ऑन पे सेट करना है. उसके बाद ट्रेनिंग में आके आप सभी लोगों को सिंगल AWM ले लेनी है. उसके बाद अगर हम बात करें स्टेप्स की तो सबसे पहले आपको अपना स्कोप ओपन करना है, फिर आप लोगों को एक बार फायर कर देना है. तो तुम लोग जैसे ही फायर करते हो वैसे ही तुम लोगों को गन बॉक्स पे क्लिक करना है, देन उसके बाद स्कोप बटन पे क्लिक कर देना है. तो देखो मैं फिर से बताता हूँ तुम लोगों को, ये स्टेप्स है, इसका फर्स्ट स्टेप इज स्कोप, सेकंड स्टेप इज फायर, देन थर्ड स्टेप इज गन बॉक्स. तो आपको ये रिपीट करना है, स्कोप फायर गन बॉक्स, स्कोप फायर गन बॉक्स, स्कोप फायर गन बॉक्स. तो मैं आप लोगों को एक ऐसा तगड़ा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप AWM नॉर्मल से बहुत ज्यादा फास्ट चला सकते हो. तो ये चीज तो आप लोगों को पता ही, जब भी हम AWM को बहुत ज्यादा फास्ट चलाने की सोचते हैं तो ज्यादातर हमारी गन स्विच हो जाती है, और ये एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है अपने मतलब गन की. अपन जब भी गन चलाएंगे ना ये फटाफट से स्विच हो जाती है और ये दिक्कत दे देती है बहुत ज्यादा. क्योंकि देखो दोस्तों जब भी आप एक बुलेट फायर करोगे ना गन से और दूसरी गन में शिफ्ट करोगे उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और उस टाइम से पहले वो फायर हो ही नहीं सकता. पर तुम्हारा भाई इस वीडियो में से तगड़ी ट्रिक लेके आया है ना, देखो उसको. तो देखो इसमें क्या करना है आप लोगों को, अगर तुम लोग गन स्विच करते हो ना उस टाइम पे आपको एक अपना क्राउच वाला बटन होता है नीचे, जो अपसेट वाला बटन होता है उसको दबा देना है. अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपका फायर बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी. बस एक बार ट्रेनिंग गाउन में जाओ एंड इसको अप्लाई करके देखो, दैट्स इट. तो दोस्तों हम कुछ सेंसिटिविटी पर बात कर लेते हैं इस वीडियो में. तो देखो और स्नाइपर की जो सेंसिटिविटी होती है, देखो दोस्तों पहले मैं भी बताऊं, स्नाइपर की सेंसिटिविटी है जो 100 रहता बट वो लिटरली सही बिल्कुल नहीं है. शॉट को कनेक्ट करने के लिए बहुत लोग ये वाली गलती करते हैं स्नाइपर चलाते समय. तो देखो अगर आप लोगों के फोन में पहले से हाई सेंसी है, मतलब आपके पास पहले से हाई एंड डिवाइस है लाइक जिसकी रैम 8GB है, 12GB है, तो आपको 20 से 30 सेंसी रखनी है अपनी. अगर आप लोगों के पास एक लो एंड डिवाइस है लाइक 2GB रैम, 4GB रैम, जस्ट लाइक मी, मेरी तरह आप लोगों के पास अगर लो एंड डिवाइस है तो आप लोगों को एक 50 से 70 के बीच में अपनी स्नाइपर की सेंसिटिविटी रखनी है. ठीक है गाइस, आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट. तो गाइस मेरा मन कर रहा है पता नहीं मैं हर एक FF की गन को रोस्ट कर दूं. तो आपका क्या विचार है इस पे आप बताइए हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या बोलते हो, कर दूं? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हे 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 ये क्या